इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग कार्ल मार्क्स के समष्टि वितरण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। आपको ध्यान दिला दें, मेरे इसी चैनल पर कार्ल मार्क्स पर दो और वीडियो हैं। एक है कार्ल मार्क्स थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक है कार्ल मार्क्स थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। और अगर दोनों सिद्धांतों को आप पढ़ लेते हैं तो उनमें जो कुछ वर्णित है उसी के आधार पर कार्ल मार्क्स के समष्टि वितरण सिद्धांत को आसानी से समझा जा सकता है। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि सारे पहलू को इस वीडियो में भी हम आपको बताने का प्रयास करें, लेकिन और डिटेल्ड वहां से आप पढ़ सकते हैं जिसमें पूरी उनके जो इकोनॉमिक आर्थिक उनका जो विचार है वो उन दोनों वीडियोज में अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के पहले मैंने एक वीडियो रिकार्डो के समष्टि वितरण सिद्धांत पर इसी चैनल पर डाला हुआ है और दोनों में कुछ अंतर संबंध हैं, कुछ दोनों में अंतर हैं। तो उस वीडियो से अर्थात रिकार्डो के और मार्क्स के विचारों के संदर्भ में तुलना भी की जा सकती है। तो मार्क्स के विचार या वितरण पर या समष्टि वितरण पर उनके विचारों को समझने से पहले उनके कुछ जो मूल अवधारणाएं हैं लाभ के बारे में, श्रमिकों के बारे में, मजदूरियों के बारे में, उन सब की हम संक्षेप में आपको बताएंगे और उसके बाद इसके माध्यम से ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अपने इन विचारों के आधार पर मार्क्स जो है राष्ट्रीय आय को समाज के विभिन्न वर्गों में किस प्रकार से वितरण होता है उसको वो कैसे निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर एक बात का उल्लेख हम कर दें कि जो मार्क्स हैं वो ये मानते हैं कि समाज में केवल उत्पादन के दो ही साधन हैं, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वो केवल दो साधनों को सम्मिलित करते हैं, एक है श्रम और दूसरा है पूंजी। आपको ध्यान दिला दें कि रिकार्डो के सिद्धांत में तीन साधनों को सम्मिलित किया गया है, भूमि, श्रम और पूंजी। तो यहाँ पर भूमि को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया है और एक तरह से उसे कैपिटल के अंग के रूप में सम्मिलित करते हैं। तो और इसी प्रकार से रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में जो लगान और मजदूरी और लाभ का निर्धारण होता था उसके संदर्भ में दो अलग अलग सिद्धांतों की चर्चा उन्होंने की थी। एक को उन्होंने जो सरप्लस के आधार पर निर्धारित किया था और दूसरा जो लगान था उसको उन्होंने मार्केट प्रोडक्टिविटी के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया था। लेकिन मार्क्स ने यहाँ पर अपने इस सिद्धांत में रिकार्डो के उस सरप्लस वैल्यू थियरी का प्रयोग किया है और जिसके माध्यम से वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि सरप्लस का या अतिरेक का उत्पादन क्रियाओं में कैसे ये अतिरेक उत्पन्न होते हैं और कैसे इसके माध्यम से लाभ का अंश प्रभावित होता है। तो उस सरप्लस थियरी का उपयोग यहाँ करते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि सरप्लस इस प्रक्रिया में कहाँ से उत्पन्न होता है। और अगले चरण में वो
रिकार्डो और एडम स्मिथ की भांति ही ये स्वीकार करते हैं लेबर थियरी या बैलू के श्रम के मूल्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि जो मूल्य निर्धारित होता है वो उत्पादन प्रक्रिया में किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम की जितना समय लगता है श्रम की इकाइयाँ लगती हैं उनके आधार पर ये निर्धारित होता है। तो लेबर थियरी या वैल्यू को यहाँ वो सम्मिलित करते हैं अपने सिद्धांत में और यही श्रम के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा उनकी ये है वो ये है कि जैसे उत्पादन में उन्होंने दो साधनों को सम्मिलित किया है लेबर और कैपिटल को और इस रूप में वहाँ पर ये बताते हैं कि केवल श्रमिक ही ऐसा वर्ग है या श्रमिक ही ऐसा है जो अतिरेक का उत्पादन करता है, उत्पादन का अन्य कोई साधन अतिरेक या लागत के अतिरिक्त उत्पादन का सृजन नहीं करता है। और यहीं पर वो कहते हैं कि जो मशीनें लगती हैं, जो इक्विपमेंट लगते हैं और जो कच्चे माल लगते हैं वे केवल वस्तु के मूल्य में अपने मूल्य को ऐड करते हैं या सम्मिलित करते हैं, वे उनके मूल्य में वृद्धि नहीं करते हैं। केवल श्रमिक वर्ग ही ऐसा है कि जो जितने श्रमिक आप कह सकते हैं कि लगता है वो उसकी तुलना में जितना उसको मूल्य मिलता है उसके पारिश्रमिक के बदले में उसकी तुलना में वो उससे अधिक उत्पादन करता है और इस प्रकार से अतिरेक का सृजन केवल श्रमिक करता है, पूंजी नहीं करती। तो और जो कुछ अतिरेक होता है वो इस श्रमिकों के माध्यम से ही होता है। तो इस रूप में एक और टर्म का प्रयोग करते हैं वो लेबर पावर, श्रम शक्ति। और श्रम शक्ति को जिस विशेष अर्थ में उन्होंने प्रयुक्त किया है वो आपके लिए जान लेना जरूरी है। लेबर पावर का यहाँ जो अर्थ है वो ये है कि श्रमिक का जो कास्ट ऑफ रिप्रोडक्शन है, पुनरुत्पादन की लागत। और पुनरुत्पादन की लागत का मतलब होता है वो लागत, श्रमिकों पर वो लगाई हुई लागत जितनी लागत लगाने से श्रमिक अपने कार्य क्षमता को मेंटेन रख सके, कायम रख सके और अगले चरण में वह वैसे ही उतना ही उत्पादन करने की क्षमता रखता हो जितना वो उत्पादन प्रक्रिया में पहले कर रहा था और उसके लिए जितना उसको पारिश्रमिक चाहिए वो उसको उन्होंने लेबर पावर कहा। और मार्क्स ने कहा कि ये कम से कम उतना होना चाहिए जितना उनका सब्सिस्टेंस लेवल है या जीवन निर्वाह स्तर है, जिसका मतलब है कि इतना उसको पारिश्रमिक दिया जाए जितना पारिश्रमिक देने से वह जिस रूप में है रह सके और अगले चरण में जितना वो काम पहले करता था उतना करने लायक उसकी स्थिति बनी रहे। तो इतने को उन्होंने कहा लेबर पावर। और इस लेबर पावर से जितना भी अतिरिक्त वो उत्पादन करता उसको उन्होंने कहा सरप्लस। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि श्रमिक जो है वो केवल श्रमिक ही ऐसा है जो अपने लेबर पावर की तुलना में अतिरिक्त उत्पादन का सृजन करता है, उत्पादन का अन्य कोई साधन ऐसा नहीं करता। तो इस दृष्टि से श्रम का महत्व जो है बहुत उन्होंने इस पर जोर दिया है और उनकी पूरी थियरी का बेस ही है और जो है वो सरप्लस वैल्यू, जिसकी व्याख्या हम आगे और अच्छी तरह या डिटेल में कर रहे हैं। तो इस तरह से लेबर ऑफ थियरी, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू और द कंसेप्ट ऑफ लेबर पावर, ये दोनों जो हैं ये श्रम पावर, श्रम की शक्ति जिसको जिस रूप में मार्क्स ने परिभाषित किया और जो श्रम के जीवन निर्वाह स्तर के लेवल को या स्तर को व्यक्त करता है, और दूसरी ओर थियरी ऑफ लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, जिसका मतलब हुआ कि वस्तु का मूल्य उतना ही होता है जितना वस्तु के उत्पादन में श्रमिक की मात्रा लगती है। ये दोनों
इस मार्क्स के सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं पर पूरा का पूरा थियोरी जो है हमारी निर्भर है, और इन्हीं पर ये जो रिलेटिव शेयर्स हैं लाभ और मजदूरी के भी निर्भर करेंगे। यहीं पर हम आपको और बता दें कि क्योंकि जब उत्पादन में दो ही साधनों को वो स्वीकार कर रहे हैं, एक है श्रम और एक है पूंजी, तो श्रम पर मिलने वाला जो पारिश्रमिक है उसे हम मजदूरी कहेंगे और पूंजी पर मिलने वाला जो पारिश्रमिक है उन्हें हम लाभ कहेंगे। और इस प्रकार से अगला जो आप कह सकते हैं उनका जो मान्यता है वो ये है कि पूरी राष्ट्रीय आय केवल दो भागों में बांटी जाएगी, एक होगी कुल किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय अवधि की कुल मजदूरी और कुल लाभ, और इस प्रकार से कुल आय में ये दो अंश होंगे और इन्हीं अंशों का वो निर्धारण करेंगे कि किसका अंश कितना होगा और किस स्थिति में किसका अंश बढ़ता या घटता है, और इसके माध्यम से वो किसी अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय है उसके अंशों का निर्धारण करेंगे। और ये यहाँ पर अंश लाभ और मजदूरी के अंश के रूप में हैं। एक और मान्यता वो स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है, सारे जो भौतिक पदार्थ हैं उनका स्वामित्व उसके हाथ में है, तो एक तरह से पूंजी श्रमिकों के हाथ में उनके श्रम के अलावा कुछ नहीं है, और पूंजीपतियों के हाथ में सारी जो पूंजी है, सारी जो भौतिक पदार्थ हैं और जो सारी संपदा है और जितने भी उत्पादन के साधन हैं वे सब पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं। और इसी कारण, क्योंकि श्रम अकेले कुछ कर नहीं सकता जब तक उत्पादन के अन्य साधन सहयोग नहीं करेंगे, और उत्पादन के अन्य साधन पूंजीपति के पास हैं, और इसलिए पूंजीपति अपनी इसी जो अधिकार तत्व है, जो उसके पास जो स्वामित्व है, उसके कारण जो है उत्पादन की प्रक्रिया में लाभ अर्जित करता है। तो एक तरह से जितने भी उत्पादन के भौतिक साधन हैं, आप कह सकते हैं जितने रॉ मटेरियल्स हैं, जितने कच्चे माल हैं वही, और जितनी भूमि है और जितने कैपिटल इक्विपमेंट्स हैं, ये सब पूंजीपति के स्वामित्व में होते हैं। एक और उल्लेख वो करते हैं जिसकी डिटेल हम व्याख्या करेंगे, और वो ये है कि रिजर्व आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड लेबरर्स, रिकार्डो के सिद्धांत में भी हम लोगों ने माना था कि श्रमिकों की पूर्ति असीमित है और एक दी हुई निश्चित मजदूरी पर जो जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होती है उसी पर जितना श्रमिक आप चाहेंगे वो श्रमिक मिल जाएंगे। और वहाँ पर माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का उन्होंने उल्लेख किया था और कहा था कि अगर जीवन निर्वाह स्तर से अधिक मजदूरी हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी और श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जाएगी, और जीवन स्तर से कम मजदूरी हो जाएगी तो श्रमिकों की मात्रा में या जनसंख्या में कमी हो जाएगी, और अंततः लॉन्ग टर्म में जो है जीवन निर्वाह स्तर के बराबर मजदूरी बनी रहेगी। लेकिन माल्थस जो है, मार्क्स जो हैं, वो यहाँ पर उस जनसंख्या सिद्धांत का उपयोग नहीं करते और जीवन निर्वाह स्तर पर मजदूरी बने रहने का कारण वो दूसरा देते हैं, और वो कारण है रिजर्व आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड लेबरर्स, जिसके लिए वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की एक तरह से रिजर्व आर्मी होती है, और रिजर्व आर्मी का मतलब है इतनी अधिक संख्या में श्रमिक बेकार होते हैं कि जितनी भी आवश्यकता हो उतने श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, और ये रिजर्व आर्मी जो ये पूंजीपति पूंजीवादी व्यवस्था की ही देन है, जिसका आगे हम उल्लेख करेंगे कि कैसे रिजर्व आर्मी बढ़ती जाती है और जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मजदूरी स्थिर होती है और ये जीवन निर्वाह स्तर के बराबर रहती है और जितना श्रमिक चाहिए उसको उतनी मिल जाती है। और कई स्थितियों में तो आगे हम देखेंगे कि मजदूरी की दरें गिरने की भी स्थिति आती हैं और जिससे लाभदायकता या लाभ में वृद्धि होती है। तो इन सब अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग मार्क्स के तीन अवधारणाओं की चर्चा करेंगे जिनका उपयोग करके हम राष्ट्रीय आय में मजदूरी और लाभ के अंश को निर्धारित कर पाएंगे और उनमें परिवर्तन किस तरह को होता है इनको जान पाएंगे। ये जो तीन कंसेप्ट हैं इनकी बृहद व्याख्या हमारे
पिछले दोनों वीडियोज में जो मार्क्स थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और थ्री ऑफ सरप्लस वैल्यू है वहाँ भी है, लेकिन संक्षेप में हम इसका उल्लेख यहाँ आपको कर रहे हैं और ताकि आप इस स्तर पर यहाँ इसको समझ सकें। तो जो पहला कंसेप्ट है वो है रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो यहाँ पर हम आपको बता दें एक जो प्रक्रिया है और वो ये है कि पूंजीपति जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रवेश करता है, और जो प्रवेश करता है वो मुद्रा के माध्यम से करता है, पूंजी के माध्यम से वो प्रवेश करता है। अर्थात पूंजी लेकर वो आता है, पहली बात जिसको हम कह सकते हैं कि मुद्रा लेकर आता है। मुद्रा से करता क्या है, मार्क्स कहते हैं कि मुद्रा से हम लोग वस्तुओं सेवाओं को बाजार में खरीदते हैं। तो मार्क्स जो है वो श्रम को भी कमोडिटी मानता है, वो कहता है कि पूंजीपतियों के लिए श्रम एक वस्तु के समान है, और इस पूंजी से पूंजीपति जो है वो इन कमोडिटीज को खरीदता है, अर्थात श्रमिकों को वो खरीदता है, और खरीद करके, और क्योंकि वो सभी भौतिक पदार्थों का, भूमि का, कच्चे माल का, इन सबका स्वामी उसके पास पहले से हैं, इस नाते इन श्रमिकों के साथ सहयोग करके वो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन सृजित करता है, और उत्पादन सृजित करके फिर उत्पादन को बाजार में बेचता है, और बेच करके फिर वो मुद्रा प्राप्त करता है, और इस प्रक्रिया में वो जितनी मुद्रा लगाता है और जब वस्तुओं को बाजार में बेचता है तो उस मुद्रा से ज़्यादा मुद्रा अर्जित करता है, और जो ज़्यादा अर्जित करता है यही उसका लाभ है, यही उसकी का सरप्लस है। और इस प्रकार से जो प्रक्रिया है उसको ये इस रूप में लिखते हैं MCM। Yes. ये तीन टर्म है। पहला टर्म का मतलब होता है कैपिटलिस्ट जो है मुद्रा या मनी लेके बाजार में आता है, और उस मुद्रा से वो कमोडिटी को खरीदता है, लेबर को, और जो वस्तुएं उससे सृजित होती हैं उसको बाजार में बेचता है, और बेच करके फिर मुद्रा प्राप्त करता है। लेकिन जो मुद्रा लगाता है और जो मुद्रा प्राप्त करता है, इनमें जो मुद्रा वो बाद में प्राप्त करता है ये अधिक होती है, और जो मुद्रा लगाया था वो कम होती है, और इस प्रकार से ये जो मिलता है उसको ये है सरप्लस, जिसको हम प्रॉफिट कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति जो है वो इस MCM प्रक्रिया के माध्यम से अपना लाभ या सरप्लस प्राप्त करता है, और इस सरप्लस प्राप्त करता है। तो अब जो हम तीन कंसेप्ट को आपको सामने रखने जा रहे हैं उसमें पहला कंसेप्ट जो है इन दिस प्रोसेस जो है पहला कंसेप्ट उसका जो है वो ये कहता है कि इस प्रकार से जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, अर्थात जो उत्पादन वो करता है वो किसी भी वस्तु का वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसके तीन हिस्से होते हैं। इनमें एक वो कॉन्स्टेंट कैपिटल लगाता है, एक वेरिएबल कैपिटल लगाता है, और तो वेरिएबल कैपिटल और कांस्टेंट कैपिटल में आप वेरिएबल कैपिटल को कहते हैं जो श्रमिकों को लगाता है, और कांस्टेंट कैपिटल में जो स्थिर पूंजी लगाता है, जो कैपिटल है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ये है लैंड्स हैं, ये सब कांस्टेंट कैपिटल हैं, और उसके ऊपर श्रमिक जो लगा हुआ है वो है वेरिएबल कैपिटल। और इन दोनों को लगाया तो ये समझिए सी खरीदा, और जब बेचा तो एम, और एम में ये एस ज़्यादा हुआ तो कहा कि जो बेचा उसमें इतना और जुड़ गया एस। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो है सी प्लस वी प्लस एस, और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये कहता सी प्लस वी। तो इस प्रकार से ये जो एस है ये सरप्लस है, और सी प्लस वी जो है वो ये कास्ट है। और अगर आप इसी के माध्यम से ये देखने का प्रयास करें कि रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है, तो रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू का जो कंसेप्ट आया, पहला कंसेप्ट उसका आया रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू। और क्योंकि सरप्लस केवल श्रमिक उत्पादित करता है, इसलिए ये देखा जाएगा कि श्रमिक पर कितना खर्च हुआ था, अर्थात कितनी मजदूरी दी गई थी, और
कितना लाभ या सरप्लस मिला है, जो सरप्लस मिला है वो इसी मजदूरी पर मिला है, क्योंकि इसी मजदूरी मजदूरों मजदूरियों के कारण ही सरप्लस जनित हुआ है, इस नाते इस दर को उसने एस में वी से भाग देके प्राप्त किया, ये अनुपात है एस अपान वी, और इसको उन्होंने कहा रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, और जहाँ पर एस जो है वो सरप्लस वैल्यू है उसकी कुल मात्रा है, और वी जो है ये वेरिएबल कास्ट है या जो श्रमिकों को कुल मजदूरी के रूप में दिया गया है वो है, और इसको उन्होंने कहा कि ये है सरप्लस वैल्यू। तो एक तरह से ये वेज है और ये सरप्लस, तो ये इसके बराबर हैं, और इस रूप में हम इस रेट को देख सकते हैं। और यही पर मार्क्स ये भी कहते हैं कि श्रमिक ने जितना उत्पादन किया है वास्तव में उसको उतना मिलना चाहिए था, अर्थात जो उसकी उत्पादकता है उसके बराबर उसको मूल्य मिलना चाहिए था, जो उसकी उत्पादकता है वो एस प्लस वी है, वी प्लस एस है, जितनी उसकी लागत लगाई गई और प्लस जितना उस पर और उत्पादन किया वो दोनों मिला के ये उसकी कुल उत्पादकता है, ये उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिला केवल वी और यस ले गया पूंजीपति। तो इस प्रकार श्रम के उस अंश को पूंजीपति हड़प लेता है जो श्रमिकों का योगदान है, जो श्रमिकों के कारण उत्पादित हुआ है। तो अब वो कहते हैं कि जो अंश श्रमिकों का था उसने पूंजीपति ने ले लिया, इसका मतलब श्रमिक का शोषण किया गया। वास्तव में होना चाहिए कि जितना उसने उत्पादन किया वो उसको मिलना चाहिए, लेकिन हुआ ये कि जो उत्पादन हुआ उसका एक हिस्सा पूंजीपति ने हड़प लिया या ले लिया, ये मार्क्स की अपनी अपना कहना है, और इस नाते एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और कितना हुआ वी पर यस जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इस नाते उसने इसको रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का भी नाम दिया, रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन शोषण की दर, एक्सप्लॉयटेशन। रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ये हुई शोषण की दर। तो एक तरह से सरप्लस वैल्यू की जो दर है वही दर जो है शोषण की भी दर होती है, और इसको इस नाम से उसने संबोधित किया। और अब जो दूसरी कंसेप्ट की वो चर्चा करते हैं वो कंसेप्ट है, इसको कहा उन्होंने ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, और इसका मतलब ये होता है कि जो कांस्टेंट कैपिटल है उसका कुल कैपिटल से अनुपात कितना है, और कुल कैपिटल को हमने आपको बताया है कि कुल कैपिटल होती है सी प्लस वी, और कांस्टेंट कैपिटल होती है वी और इस सी यू, और इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को सी अपान वन अपान सी अपान वी लिखा जा सकता है। और कई बार केवल हम आपको ये दिखा दें कि अगर यह है सी बटा सी प्लस वी तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि C में C प्लस वी से भाग है, तो इसको कई बार C बाई वी भी करके इसको दिखाते हैं, और निष्कर्ष उसी तरह का निकलता है जिस प्रकार से इसका निकलता है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को C अपान C प्लस वी से प्रदर्शित करते हैं, और जो एक तरह से कुल कांस्टेंट कैपिटल का और कुल कैपिटल का अनुपात है, और जिसमें ये दिखाते हैं कि कांस्टेंट कैपिटल में वृद्धि या कमी जब होती है तो इस अनुपात में कमी बेसी होती है, और आगे हम चल के देखेंगे कि इस अनुपात में जब परिवर्तन होता है तो ये लाभ के अंश को परिवर्तित करता है, और जब लाभ के अंश को परिवर्तित करता है तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स हैं जिसमें राष्ट्रीय आय कुल मजदूरी और कुल लाभ के बीच में डिवाइड होती है उसको ये प्रभावित करेगा, इस नाते इसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। और
तीसरा जो फैक्टर है यहां पर वो ये है, रेट ऑफ प्रॉफिट। और रेट ऑफ प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जो आपका सरप्लस है वो कुल पूंजी का कितना हिस्सा है। रेट ऑफ सरप्लस को हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे, रेशियो ऑफ सरप्लस टू टोटल कैपिटल, और इसको इस रूप में दिखाया जा सकता है। और इसको हम रेट ऑफ प्रॉफिट के रूप में भी जानेंगे, क्योंकि जो सरप्लस है कुल पूंजी पर जो अतिरिक्त प्राप्त होता है यही एक तरह से लाभ की दर है। और ये लाभ जो है ये पूंजीपतियों को मिलता है। और इस रूप में इस तीन कंसेप्ट के माध्यम से हम लाभ के दर या लाभ के शेयर को निर्धारित कर सकते हैं, और हम उसको इस रूप में आगे बढ़ा के देख सकते हैं। तो अब इस स्थिति में हम हैं कि हम रेट ऑफ प्रॉफिट को थोड़ा सा और दूसरे तरह से दिखाने का प्रयास करें, और रेट ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ जो सरप्लस है इसको अगर हम इस रूप में पी लिखें और पी को हम एस अपान सी प्लस वी लिखें, तो ऐसे स्थिति में आप देखें ये कर सकते हैं कि हम दोनों पक्षों को अर्थात ऊपर और नीचे दोनों वी से गुणा कर दें। ऊपर भी वी से गुणा कर दिया और नीचे भी वी से गुणा कर दिया, ये और जब हम ऐसा करेंगे तो हम इसको देखें इस तरह से भी देखते हैं, एस अपान वी लिख लें ऐसे, और अब उसमें गुणा कर दें वी अपान सी प्लस वी, और जरा ये देख लें कि ये जो ये पूंजी का ये लाभ का अंश है एस, और वी जो है ये मजदूरी का अंश है। और क्योंकि कुल लाभ जो है इन्हीं दोनों का टोटल होता है, इस नाते अंश है ना, ये एक एक का हिस्सा है, और दोनों को मिला के इनका योग एक बट एक होगा। अर्थात इस प्रकार से एस अपान वी प्लस सी अपान वी बराबर एक होगा। और अगर एक में से हम एस वी घटा दें वन माइनस एस अपान वी, तो ये आ जाएगा सी अपान वी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये जो v अपान c प्लस वी है, देखिए v अपान c प्लस वी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक में से हम c अपान c प्लस वी घटा दें तो ये आ जाएगा। और इसलिए हम इनके स्थान ऐसे भी लिख सकते हैं कि s अपान v और गुणे वन माइनस c अपान सी प्लस वी, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का हमारा एक मंतव्य है कि ये जो सी अपान सी प्लस वी है ये हमारी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है, जिसमें हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये जो कांस्टेंट कैपिटल है उसका अनुपात सी धन वी से कैसा है। और अगर सी बढ़ेगा तो ये अनुपात बढ़ेगा, और सी घटेगा तो ये अनुपात घट जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ देखिए, ये चीज एक में से यहाँ घटाई जा रही है, और अगर ये जितना ही ज्यादा होगा वो इतना ही कम हो जाएगा ये गुणे का हिस्सा। मतलब एक में से जब हम इनको घटाएंगे इधर वाले हिस्से को, तो अगर ये हिस्सा बढ़ता है तो घटने वाली राशि छोटी होगी, और अगर ये हिस्सा घटता है तो घटने वाली राशि बड़ी होगी। और सी जब बढ़ेगा तो इसका मतलब है एस बी से जो उसका गुणा होगा गुणनफल पी वो घट जाएगा। ये इनके मध्य में संबंध है, और ये संबंध आगे चल के हम देखेंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग जिसको हम प्रॉफिट की दर कह रहे हैं, वो प्रॉफिट की दर को अंततः इस रूप में भी लिखा जा सकता है। और इस रूप में लिखने का एक अर्थ है कि देखिए, अगर एस इंटू वी, एस इंटू वी का मतलब है ये सरप्लस की दर है, पूंजी जो अतिरेक की दर है, और अतिरेक की दर अगर बढ़ेगी तो पी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर लाभ के अंश को बढ़ाना है तो पूंजीपति जो है
इस अतिरेक की दर को बढ़ाने का प्रयास करेगा, इस सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और जिस सरप्लस वैल्यू जितनी ही बढ़ेगी लाभ की दर उतनी ही बढ़ेगी और लाभ का अंश उतना ही बढ़ेगा हमारी राष्ट्रीय आय में। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को बढ़ाता है, अर्थात उत्पादन लाभ बढ़ाने के लिए पूंजी की मात्रा को बढ़ाता है, और पूंजी की मात्रा बढ़ाने का मतलब हुआ कि पूंजी प्रदान विधियों का प्रयोग करता है, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है और श्रमिकों के स्थान पर अधिक पूंजी का उपयोग करता है, तो पूंजी की मात्रा जो है या पूंजी का अंश जो है वो कुल लागत लाभ में बढ़ेगा, और यदि ये बढ़ेगा तो लाभ की दर पर इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये अनुकूल प्रभाव डालेगा और ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, और पूंजीपति अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए इन सब पर वो ध्यान रखेगा कि किस प्रकार से वो भी प्रयास करेगा कि अगर इसके सी के बढ़ाने से लाभ की दर घटती है तो एस को इतना तेज बढ़ाओ कि उस लाभ की जो दर घट रही उस पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वो समाप्त हो जाए, और जिसका जिसका मतलब है कि लाभ का अंश तो बढ़ जाए, कुल उसमें राष्ट्रीय आय में भले ही लाभ की दर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े, लाभ की दरें पहले से भले कम हो जाएं लेकिन लाभ का अंश कुल आय में बढ़े। और मार्क्स यहाँ ये विश्लेषण करने के बाद मार्क्स ये कहते हैं कि इन सब के बावजूद पूंजीपति ऐसे प्रयास करेगा और उस प्रयास के माध्यम से लाभ का अंश जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निरंतर तेजी से बढ़ेगा, और लाभ घटने की स्थितियां बहुत चरम स्थितियों में होंगी, अंतिम अवस्था में पूंजीवाद के होंगी, और जब कुछ और दशाएं आ जाएंगी जिनका उल्लेख अभी हम आपको आगे करके बताएंगे। लेकिन सामान्य तौर पर मार्क्स ये स्वीकार करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा इस प्रक्रिया में लाभ का अंश जो है वो बढ़ता है। यही हम रिकार्डो से के मत से भिन्नता उनकी है। रिकार्डो ने यह दिखाने का प्रयास किया था अपने सिद्धांत में कि लाभ का अंश पूंजी आर्थिक विकास की अंतिम प्रक्रिया में घटेगा और घटते घटते ये शून्य की ओर प्रवृत्त होगा और अर्थव्यवस्था में अंततः इस स्टैग्नेशन की स्थितियां आ जाएंगी। मार्क्स के विचार अलग हैं, और लेकिन मार्क्स अंततः एक स्थिति में यह स्वीकार करता है कि अंततः जो है इस लाभ के बढ़ाने के चक्कर में पूंजीपति वर्ग ऐसी क्रियाएं करेंगे, ऐसे व्यवहार करेंगे और जिनसे अर्थव्यवस्था में इस तरह के प्रभाव उत्पन्न होंगे जो अर्थव्यवस्था को अंततः वर्ग संघर्ष की स्थिति में ले जाएंगे और अंततः पूंजीवाद का पतन होगा और समाजवाद का उदय हो जाएगा। और लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स की बात है उस चरम स्थिति को अगर हम छोड़ दें तो मार्क्स जो स्वीकार करते हैं कि लाभ का अंश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बढ़ता है, और जब यह बढ़ेगा तो जाहिर है कि पूंजी जो मजदूरी का अंश है वो घटेगा। तो इनके माध्यम से अब आगे की जो स्थितियों की वो कल्पना कर रहे हैं वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लाभ का अंश बढ़ता है तो कैसे। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक तो गलाघोंट प्रतियोगिता होती है विभिन्न पूंजीपतियों के बीच अपने उत्पादन और लाभ को बढ़ाने के लिए, निरंतर अधिक से अधिक वो मशीनरी का प्रयोग करते हैं, अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जिसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगती है, पूंजी की मात्रा बढ़ती है, अर्थात ये सी का मान बढ़ता है। लेकिन सी के मान बढ़ने के कारण श्रम की उत्पादकता भी बढ़ती है, और जिसका मतलब ये हुआ कि सी के बढ़ने से अगर श्रम की उत्पादकता बढ़ती है तो यस भी बढ़ेगा बड़ी तेजी से, और अगर यस में भी वृद्धि होती है तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि सी में जो वृद्धि हो उस वृद्धि का प्रभाव जो है लाभ पर नकारात्मक न पड़े और लाभ के अंश बढ़ते हुए हमको मिले। और मार्क्स कहते हैं कि ये लाभ का अंश बढ़ता हुआ ही मिलता है क्योंकि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। और यही हम आपको और भी उल्लेख कर दें कि जब पूंजीपति अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है और चाहता है कि लाभ का अंश बढ़ते जाए तो और भी वो कई विधियों का प्रयोग करता है, जिसमें मार्क्स ने कहा कि वो श्रमिकों के घंटों को काम के बढ़ा सकता है, श्रमिकों के काम करने की जो सघनता है उसको बढ़ा सकता है, अर्थात ज़्यादा काम ले सकता है उतने ही समय में, और
उनके कार्य करने के समय को बढ़ा सकता है, और तीसरे पहले हम बता चुके हैं टेक्नोलॉजी और पूंजी बाजार विधियों का प्रयोग करेगा और इन सबसे जो है सरप्लस वैल्यू बढ़ेगा। और यही हमने आपको बताया कि विभिन्न पूंजीपति अपने अपने लाभ बढ़ाने के चक्कर में और इन विधियों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, आपस में गला घोंट प्रतियोगिता होगी, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि तमाम पूंजीपति इस कंपटीशन में औद्योगिक क्षेत्र से बाहर निकल जाएं। तीसरे वो, क्योंकि इस प्रक्रिया में जब ऐसा होगा तो मार्क्स कहता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी कुटीर उद्योग हैं, जितने भी इस तरह के धंधे हैं जो श्रम प्रधान हैं, इन पूंजीपति व्यवस्था में वो नष्ट होते जाते हैं और श्रमिकों की एक रिजर्व आर्मी जो है निरंतर जो है वो बेरोजगार होती चली जाती है, और एक बेरोजगारों की फौज होती है जिसको जितना चाहो उतना जरूरत पड़ने पर वो आपके काम आएंगे, और कई बार तो आपस में श्रमिक प्रतियोगिता करेंगे, उस प्रतियोगिता में ऐसा भी हो सकता है कि मजदूरी दरें गिर जाएं, और जिससे श्रमिकों का जिससे पूंजीपतियों के लाभ बढ़ाने में और मदद मिले। तो ये इस व्यवस्था में ऐसा कुछ होगा और जिसके कारण श्रमिक वर्ग की मजदूरी घट जाएगी, मजदूरी का अंश घट जाएगा और लाभ अर्जकों के लाभ के अंश बढ़ेंगे, और जिसमें वो अधिक से अधिक वो रिप्लेस करेंगे श्रम के स्थान पर पूंजी को, इसके नाते भी तमाम श्रमिक बेरोजगार होंगे। तो इस तरह से बेरोजगार की रिजर्व जो संख्या होती है या जो सेना होती है जिसको कहता है रिजर्व आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड लेबरर्स, वो सदैव अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहेंगे और ऐसी स्थिति में लाभ के अंश निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। मार्क्स कहता है कि ऐसी स्थितियाँ तब आएंगी जब लाभ के अंश घट सकते होंगे या घटेंगे जब ये रिजर्व सेना पूरी समाप्त हो जाए अर्थव्यवस्था में, और जब नहीं रहेंगे वैसी स्थिति में श्रमिकों की मजदूरियां बढ़ जाए तब लाभ पर इनके असर पड़ेंगे। तो ये सभी स्थितियां जब आएंगी वैसी स्थिति में ऐसा होगा, अन्यथा लाभ के अंश जो है वो निरंतर बढ़ते हुए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मिलते हैं। और इस प्रकार से मार्क्स अपने से इन तो विचारधाराओं या इन विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से ये प्रूव करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ के अंश बढ़ते हैं और मजदूरी के अंश घटते हैं, और इन अवधारणाओं के माध्यम से दिखाते हैं कि बहुत ऐसा रेयर अंतिम स्थितियों में होगा जब लाभ के अंश घट सकते होंगे, अन्यथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये जो नई नई मशीनों आधुनिक विधियों और पूंजी प्रधान विधियों के माध्यम से और श्रमिकों के इस विशाल सेना के माध्यम से जिनसे मजदूरी दरों को बढ़ेंगी नहीं और ये निरंतर घटने की प्रवृत्ति भी ले सकती हैं, और वैसे स्थिति में लाभ के अंश अर्थव्यवस्था में बढ़ते हैं। तो इस माध्यम से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स के बारे में जो मार्क्स का सिद्धांत है, और उस मार्क्स के इस सिद्धांत में जो राष्ट्रीय आय को दो भागों में बांटता है और जिसमें वो सिद्ध करने का प्रयास